वेनिस यानी भारतीय न्याय संहिता को पूरे भारत में लागू कर दिया गया है। इसका प्रभाव 1 जुलाई से देखने को मिल भी रहा है। वेनिस ने दशकों पुराने ब्रिटिश कालीन भारतीय दंड संहिता IPC को बदल दिया है। इस नए दंड संहिता के लागू होने के साथ पूरे भारत में पहले ही कई FIR की जा चुकी हैं और उनमें से कुछ पर तेज रफ्तार से काम भी हो रहा है। इसी से जुड़ी हुई घटना तेलंगाना में हुई। वेनिस के तहत पहली FIR सोमवार को साइबराबाद पुलिस के तहत राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। FIR BNS धारा 104 लापरवाही से मृत्यु होना की वजह कराई गई थी। ये मामला एक ड्राइवर की मौत से संबंधित है जिसने अपनी कार को PNVR एक्सप्रेसवे पर मेडियन से टकरा दिया था। नए दंड संहिता के तहत केरल में भी पहली प्राथमिकी एक व्यक्ति के खिलाफ तेज रफ्तार ड्राइविंग धारा 281 के लिए दर्ज की गई थी। उस व्यक्ति पर मोटर वाहन अधिनियम MV अधिनियम 1988 के तहत मामला दर्ज किया गया। ये मामला नया है, इसे नई दंड संहिता लागू कर दी गई है। इसके तहत मामले दर्ज होना शुरू हो गए हैं। BNS को IPC से ज्यादा सख्त नियम के रूप में तैयार किया गया है। ये यातायात नियमों को तोड़ने वालों के लिए भारी जुर्माना और यहाँ तक कि जेल की सजा का भी नियम है। भारतीय न्याय संहिता के बारे में वाहन चालकों को कुछ महत्वपूर्ण बातें पता होनी चाहिए। भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 के तहत हिट एंड रन मामलों के लिए सजा सख्त हो गई है। नियम के अनुसार जो कोई भी व्यक्ति लापरवाही से वाहन चलाकर किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है और घटना से तुरंत बाद पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट किए बिना भाग जाता है तो उसे 10 साल की कैद की सजा हो जाएगी और 7 लाख रुपए का जुर्माना भी देना होगा। भारतीय दंड संहिता के तहत इसी अपराध के लिए 10 साल की जेल और 2 लाख रुपए का जुर्माना था। नए आपराधिक कोड की धारा 281 के तहत लापरवाही से गाड़ी चलाने या सवारी करने पर 6 महीने तक की जेल या 1000 रुपए जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। नियम पुस्तिका में कहा गया है कि जो कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक रास्ते पर लापरवाही से गाड़ी चलाता देखा गया या सवारी करता है जिससे जीवन को खतरा हो या किसी दूसरे व्यक्ति को चोट लगने या घायल होने की संभावना हो उसे 6 महीने तक की सजा या 1000 रुपए का जुर्माना देना होगा या फिर दोनों ही देने पड़ सकते हैं। ये सारे नियम नए संहिता के तहत आते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति इन नियमों को तोड़ता है तो वो अपराधी की श्रेणी में आएगा।